स्वालघाट के समीप सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग 105 नालागढ़ पिंजौर मार्ग पर ठाणा गांव के पास ईंटों से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर घर की छत पर जा गिरा। हालांकि हादसे में कोई हताहत तो नहीं हुआ। घटना के वक्त घर के सभी सदस्य कमरों में ही सोए हुए थे। गनीमत यह रही कि ट्रक चालक सहित घर में सोए सभी परिवार के सदस्य सुरक्षित हैं। हालांकि ट्रक और घर की छत का काफी नुकसान हुआ है। NH 105 पिंजौर स्वालघाट मार्ग स्वालघाट से 6 किलोमीटर की दूरी पर थाना नामक स्थान पर तड़के 5 बजे के करीब ईंटों से भरा ट्रक, जो कि पिंजौर की ईंटें भरकर हिमाचल के भुंतर जा रहा था, एक तीखे मोड़ से लुढ़क कर एक रिहायशी मकान पर जा गिरा। इस दुर्घटना में चालक पूरी तरह सुरक्षित है, परंतु ट्रक का काफी नुकसान हुआ है। चालक ने बताया कि धुंध के चलते यह दुर्घटना हुई है, जिस कारण मेरा ट्रक सड़क से लुढ़क गया और मैं पूरी तरह सुरक्षित बच गया। मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ और आज सुबह मैं जब अपने परिवार के साथ घर में सोया हुआ था, उस वक्त मेरे घर में सुबह 5 बजे छत पर LP ट्रक, जो कि टो का भरा हुआ था, गिरा। और जैसे ही उसकी आवाज़ हुई, हम बाहर निकले तो देखा कि छत के ऊपर ट्रक गिरा हुआ है। और हमने जब बाहर निकले तो उस्ताद बाहर खड़ा हुआ था। जैसे हम ऊपर लेंटर पर आए तो देखा हम, मेरे थोड़ा बहुत नुकसान तो हुआ है, वो तो चलो हो गया। अब इसमें जो मेरा भी प्रशासन से एक ही मांग है कि यहाँ पर जो क्रैश बैरियर वो लगाया जाए। मैंने इसके लिए उनको पहले भी बोला था कि यहाँ क्रैश बैरियर लगाया जाए ताकि कोई दोबारा इसमें कोई घटना ना हो। मकान मालिक प्रीतम चंद ने बताया कि जब मैं अपने घर परिवार के साथ घर में सोया हुआ था, तब सुबह के समय एकदम छत पर धमाके की आवाज आई और परिवार वाले बाहर निकल कर देखा तो ईंटों से लदा एक ट्रक छत के पास गिरा हुआ था, जिससे मेरे घर के पास थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन मकान मालिक के विभाग से मांग की है कि सड़क पर क्रैश बैरियर लगाए जाएं ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो। धुंध के कारण धुंध से नजर नहीं आया कुछ भी, ना रोड से कोई सेफ्टी कोई लगे था, गड्डी सीधी उतर गई थी।